लोकसभा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी के नामांकन में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आदर्श स्कूल महासमुंद में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद विशाल रैली के साथ रूप कुमारी चौधरी ने भरा नामांकन फॉर्म। कांग्रेस के अनिता रावते, उषा पटेल, जसबीर बादल मक्कड़, यतेंद्र साहू, पारस नायक सहित कई दिग्गज नेताओं ने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष भाजपा का दामन थामा है। बता दें कि उषा पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा का दामन थामा है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने किया भाजपा प्रवेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह, टंक राम वर्मा कैबिनेट मंत्री, सांसद चुन्नी लाल साहू, विधायक भावना बोहरा, अजय चंद्राकर, ईश्वर साहू, खुशवंत साहब, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, महासमुंद विधायक योगेश्वर सिन्हा, बसना विधायक संपत अग्रवाल, पूर्व सांसद चंदूलाल साहू, चंद्रशेखर साहू सहित प्रदेश स्तर के नेता नामांकन रैली में हुए सम्मिलित। हम लोगों की लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी का नॉमिनेशन फाइल किए हैं और पूरा नामांकन रैली के साथ में इसमें हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साहू जी, हमारे क्लस्टर के प्रभारी श्री अजय चंद्राकर जी, हमारे सांसद चुनीलाल साहू जी और बहुत सारे हमारे मंत्रीगण, विधायकगण और संगठन के पदाधिकारीगण और पूरे लोकसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताएं हैं, सबके साथ आज नॉमिनेशन यहाँ फाइल की। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ है और जिस तरह से बड़े लोगों का बयान आ रहा है, कल ही जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जो मतलब नहीं बोलना चाहिए वो बोले हैं, इससे लगता है कि इन लोगों को हार स्पष्ट नजर आ रही है और इनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, इसलिए कुछ भी बोले जा रहे हैं आपा खो बैठे हैं। और इस बार निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की पूरी सीट, 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मुख्यमंत्री, इनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं है तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। पिछले 5 साल इन लोगों ने छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने का काम किया, इसलिए विधानसभा के चुनाव में विपक्ष में आ गए हैं। और जिस तरह से पहले भी कांग्रेस के लोग हमारे प्रधानमंत्री जी को चोर बोले, मौत का सौदागर बोले और देश की जनता उनको विपक्ष में लाके पटक दी, उसी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता भी जो कल मोदी जी के लिए नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है उसको क्षमा नहीं करेगी और एक भी सीट इस बार कांग्रेस पार्टी को हम मिलने वाली नहीं है।